गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। आज की अपनी इस वीडियो में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं पर चर्चा करेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक बनावट कैसी है। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि पृथ्वी का जो रेडियस है, जो उसकी त्रिज्या है, वो लगभग 6400 किलोमीटर के आसपास है। दोस्तों, 6400 किलोमीटर का जो रेडियस है वो इतना अधिक है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानना बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि अभी तक जो ज्ञात बोरवेल है वो केवल 8 किलोमीटर तक ही खोदा जा चुका है, या जो अधिकतम गहराई की जो माइनिंग है वो लगभग 5-7 किलोमीटर गहराई तक ही हो पाई है। तो दोस्तों, 6400 किलोमीटर गहराई तक पृथ्वी में क्या होगा, इसके बारे में जानना अपने आप में एक कठिन प्रश्न है। फिर भी आज के वैज्ञानिक उपलब्धियों के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में ज्ञात कर सकते हैं, उसके इनर कोर के बारे में ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ऐसे कौन से सोर्स हैं जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें बताते हैं। ऐसे 3 सोर्स लिए गए हैं। पहला सोर्स आर्टिफिशियल सोर्स है, जिसे हम अप्राकृतिक स्रोत कहते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने के लिए। दूसरा सोर्स है पृथ्वी की उत्पत्ति से जो संबंधित सिद्धांत हैं, जो अलग अलग समय पर दिए गए हैं कि पृथ्वी कैसे बनी होगी, उसके आधार पर भी हम यह ज्ञात कर पाते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होगी। तीसरा जो सोर्स है वो नेचुरल सोर्स या प्राकृतिक सोर्स है, और इसके अंतर्गत हम वॉल्केनिक इरप्शन और सिस्मोलॉजी को रखते हैं। वॉल्केनिक इरप्शन ज्वालामुखी क्रियाओं से संबंधित है और सिस्मोलॉजी भूकंप विज्ञान से संबंधित है। दोस्तों, हम पहले टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने के लिए जो अप्राकृतिक स्रोत है वो कौन कौन से हैं। तो इसमें 3 टॉपिक रखे गए हैं दोस्तों। पहला डेंसिटी अर्थात घनत्व, दूसरा प्रेशर अर्थात दाब, और तीसरा टेम्परेचर अर्थात ताप। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि क्या निष्कर्ष निकालते हैं। पहला टॉपिक हम ले रहे हैं डेंसिटी। दोस्तों, डेंसिटी एक मास है जो पर यूनिट वॉल्यूम में आता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि एक हमारे पास में कोई वॉल्यूम है, लाइक ए कप। अगर हम कप के अंदर कोई रेत भर दें और उसका मास तोल लें, उसके बाद हम उसमें कोई रुई भर दें उसका मास तोल लें, तो हमें पता लगेगा कि रेत का मास कप के अंदर ज़्यादा आया रुई की अपेक्षा। इससे यह पता लगता है कि रेत का जो घनत्व है वो ज़्यादा है रुई की अपेक्षा। कहने का मतलब यह है कि जो पर यूनिट वॉल्यूम में आने वाला जो मास है वह डेंसिटी कहलाता है। दोस्तों, पृथ्वी पर विभिन्न चट्टानें पाई जाती हैं। अगर हम क्रस्ट के ऊपरी भाग की बात करते हैं तो ऊपरी भाग लेयर्ड है, परतों से मिलकर बना है, और 5-6 किलोमीटर गहराई पर जाने पर यह स्फटीय हो जाता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो जाता है। इसमें इस टाइप के क्रिस्टल होते हैं। तो यह हम केवल बोरवेल की सहायता से ही ज्ञात कर सकते हैं, या जहां पर माइनिंग हो रही है वहां से भी इसके बारे में पता कर सकते हैं। इससे यह पता लगता है कि पृथ्वी की जो डेंसिटी है वो कैसी होगी। अगर हम ऊपरी क्रस्ट की बात करते हैं तो पृथ्वी की डेंसिटी 2 से लेकर 3 के आसपास आती है, जबकि सैटेलाइट की कैलकुलेशन से यह पता लगता है कि जो पृथ्वी का एवरेज डेंसिटी है वो 5.5 है, और ये जो मेजरमेंट है ये CGS सिस्टम में लिया गया है, अर्थात 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पृथ्वी का एवरेज डेंसिटी कैलकुलेट किया गया है। अगर हम क्रस्ट के हिसाब से बात करते हैं तो पृथ्वी का क्रस्ट 2 से 3 की डेंसिटी रखता है। अगर हम 5.5 पहुंचेंगे तो इनर कोर लगभग 11 के आसपास होना चाहिए। दोस्तों, अगर हम नीचे देखते हैं तो इससे यह पता लगता है कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो डेंसिटी बढ़नी चाहिए, लेकिन वैज्ञानिक रिसर्च से यह पता लगता है कि रॉक की कैपेसिटी डेंसिटी सस्टेन करने की एक लिमिट होती है, और उसके बाद वह डेंसिटी नहीं बढ़ती है। इससे भी हम यह कह सकते हैं कि पृथ्वी के नीचे जाने पर चट्टानों की जो डेंसिटी है वह एक निश्चित लिमिट के बाद बढ़ना बंद हो जाती है। फिर ऐसा
क्या होना चाहिए जिससे पृथ्वी का इनर 11 डेंसिटी वाला हो। तो इससे हमें क्लू मिलता है कि पृथ्वी का इनर जो होगा वो हैवी मटेरियल से मिलकर बना होगा। हैवी मटेरियल में जैसे आयरन है, आयरन, निकिल है, या फिर कुछ और कोबाल्ट की तरीके से। तो या तो आयरन, निकिल या कोबाल्ट कोई हैवी मटेरियल्स हो सकते हैं जिनकी डेंसिटी 11 के आसपास पाई जाती है। दोस्तों इस विवेचन से हमें यह पता लगता है, इस डिस्कशन से हमें यह पता लगता है कि पृथ्वी का जो इनर होगा, जो कोर होगा, वह भारी मटेरियल से मिलकर बना होगा, तभी उसका 5.5 एवरेज डेंसिटी बन पाएगा। तो डेंसिटी से हमें एक क्लू मिलता है कि पृथ्वी का जो कोर होगा वो हैवी मटेरियल वाला होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, दूसरा अप्राकृतिक सोर्स कौन सा है, आर्टिफिशियल सोर्स, प्रेशर। प्रेशर पर यूनिट एरिया पर लगने वाला एक फोर्स है, पर यूनिट एरिया पर लगने वाला एक फोर्स है। दोस्तों जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं पृथ्वी का प्रेशर बढ़ता होना चाहिए। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि पृथ्वी का कोर इतने प्रेशर वाला होगा कि वहाँ पर कोई भी चीज़ लिक्विड फॉर्म में नहीं रह सकती, अर्थात वह ठोस होगी, सॉलिड होगी। लेकिन वॉल्केनिक इरप्शन से हमें यह पता लगता है कि पृथ्वी का इनर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, तभी लावा फ्लो कर पाता है। तो इससे हमें यह पता लगता है कि प्रेशर की एक लिमिट होगी और उसके बाद पृथ्वी का जो प्रेशर है वह भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी में चला जाएगा। आगे देखते हैं टेम्परेचर। दोस्तों पृथ्वी के अंदर लगभग 32 मीटर गहराई में जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, या 100 मीटर की गहराई पर जाने पर यह 2 से 3 डिग्री बढ़ता है। जब हम माइनिंग करते हैं तो 5-6 किलोमीटर गहराई में जाने पर तक यह लिमिट सही प्रतीत होती है, उसके बाद यह सही नहीं होती है और टेम्परेचर किसी दूसरे नियम से बढ़ता है। अगर इस बात को सही मान लिया जाए तो पृथ्वी का टेम्परेचर कोर तक जाते जाते इतना अधिक होगा कि उसका क्रस्ट भी लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, जो नहीं है। अर्थात पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर बढ़ने वाली, गहराई के साथ टेम्परेचर बढ़ने वाली जो कंसेप्ट है वह गलत है। यह केवल कुछ गहराई तक ही सत्य पाई जाती है। फिर ऐसा क्या है जो पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करती है? दोस्तों अगर हम गर्मियों में, सर्दियों में जो नल से निकलने वाला पानी है उस पर ध्यान देंगे तो यह है सर्दियों में गर्म महसूस होता है, और यह गर्माहट केवल जो ऊपर की क्रस्ट है वहाँ से ही मिल पाती है। ऊपर की क्रस्ट जबकि ठोस क्रस्ट है, ऐसा क्यों प्रतीत होता है? तो बाद की रिसर्च से पता लग पाया है कि क्रस्ट में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मिलते हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स मिलते हैं, जैसे यूरेनियम, पोलोनियम, थोरियम। उनके रेडियो एक्टिविटी प्रॉपर्टी के कारण ही हीट जनरेट होती है जो केवल क्रस्ट के ऊपरी भाग में ही दिखाई देती है। तो 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर जो बढ़ता है वह क्रस्ट में पाई जाने वाली रेडियो एक्टिविटी के कारण ही बढ़ पाता है। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी के अंदर का टेम्परेचर कोई और गुण के कारण मेंटेन होता है। दोस्तों यह 3 सोर्स हैं जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताते हैं। अब हम आगे चलते हैं, पृथ्वी का जो उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है वह यहाँ पर ज़्यादा प्रयुक्त नहीं है, इसीलिए नेचुरल सोर्स पर डिस्कशन किया गया है। पहला नेचुरल सोर्स वॉल्केनिक इरप्शन है,
और हमें यह अच्छे से पता लग जाता है कि वॉल्केनिक इरप्शन से जो लिक्विड निकलता है लावे के फॉर्म में वह लिक्विड होता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का मेंटल के बाद जो फॉर्म होगा वो लिक्विड होगा। पृथ्वी का जो मेंटल होगा, जो क्रस्ट होगा, क्रस्ट के नीचे का जो भाग होगा वह लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, तभी वॉल्केनिक इरप्शन संभव हो सकता है। दूसरा जो नेचुरल सोर्स है वो सिस्मोलॉजी है, अर्थात भूकंप विज्ञान है। अगर हम किसी भूकंप की अर्थक्वेक की बात करते हैं तो अर्थक्वेक आते समय पृथ्वी पर कई प्रकार की वेव निकलती हैं, जिनमें से दो वेव बहुत इम्पोर्टेंट हैं जिसे हम प्राइमरी और सेकेंडरी वेव के रूप में जानते हैं। दोस्तों प्राइमरी जो वेव हैं वो लॉन्गिट्यूडनल हैं, अर्थात उसके जो लॉन्गिट्यूडनल वेव मीडियम में पार्टिकल के वाइब्रेशन के अलॉन्ग विद चलती है। अगर पार्टिकल ऐसे मूव करता है तो वो भी इस टाइप से मूव करती है, जबकि सेकेंडरी वेव ट्रांसवर्स है। अगर पार्टिकल इस टाइप से मूव करता है तो ये इस टाइप से चलेगी। दोस्तों इसकी प्रॉपर्टी ये है कि प्राइमरी वेव सभी मीडियम में चली जाती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, लेकिन जो सेकेंडरी वेव है वो केवल सॉलिड और लिक्विड के सरफेस पर ही चल पाती है। इस कारण हम पृथ्वी पर भूकंप विज्ञान के अंतर्गत जो भूकंपों का अध्ययन होता है उसके आधार पर यह देख सकते हैं। आप लोग पहला फिगर देख रहे होंगे, इसमें ये एक भूकंप का फोकस है जहाँ से भूकंप निकलता है और यहाँ से प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव निकल रही हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे प्राइमरी वेव यहाँ पर भी आ रही है और ये यहाँ पर भी जा रही है। अगला फिगर में देखते हैं सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव यहाँ आई, इस टाइप से आई और इसके बाद ये यहाँ पर नहीं दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि पृथ्वी का जो कोर है वो लिक्विड फॉर्म में हो, ये लिक्विड फॉर्म में हो। तो दोस्तों इससे ये पता लगता है कि पृथ्वी का जो इनर है वो लिक्विड फॉर्म का है और पृथ्वी विभिन्न रॉक से बनी है, विभिन्न डेंसिटी वाली रॉक से बनी है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी वेव में कर्व पाया जाता है, इनके अंदर एक कर्वेचर है। कर्वेचर यह बताता है कि पृथ्वी का जो रॉक है वो अलग अलग डेंसिटी का होगा, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी की जो स्पीड होगी वह अलग अलग डेंसिटी वाली रॉक में अलग अलग होती है। इसी कारण यह कर्वेचर फॉर्म में मूव करती है, एक वक्राकार के रूप में मूव करती है। तो दोस्तों इन सारी बातों से यह पता लगता है कि पृथ्वी का जो इनर है वह विभिन्न परतों से मिलकर बना है जिनकी डेंसिटी अलग अलग है, और नीचे जाने पर पृथ्वी का जो मेंटल है वह लिक्विड फॉर्म में है और उसके बाद अंदर की ओर जाने पर पृथ्वी जो है थोड़ी ठोस फॉर्म में दिखाई देती है, एक अर्ध ठोस के रूप में दिखाई देती है, क्वासी लिक्विड फॉर्म में दिखाई देती है। इसकी विस्तृत चर्चा के लिए हम एक अलग से वीडियो पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। मुझे पूर्ण आशा है कि आपको पृथ्वी के आंतरिक संरचना से संबंधित स्रोत पर कुछ एक जानकारी मिली होगी और आपके लिए यह लाभान्वित होगी। आप लोग इसे रिपीट करते रहें। रिपीट के रूप में हम एक बार फिर चर्चा करते हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, जो उसका इनर है, उसके लिए तीन सोर्स लिए गए हैं। पहला सोर्स आर्टिफिशियल सोर्स है, दूसरा एविडेंस है जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है, और तीसरा जो सोर्स है वो नेचुरल सोर्स हैं, प्राकृतिक सोर्स हैं जो प्राकृतिक घटनाओं पर आधारित हैं। प्राकृतिक घटनाओं में हमने वॉल्केनिक इरप्शन और सिस्मोलॉजी को लिया है। सिस्मोलॉजी भूकंप संबंधी विज्ञान है जो भूकंपों का अध्ययन करता है। दोस्तों सिस्मोलॉजी से संबंधित एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी, आप लोग उसे देखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक नमस्कार।